नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। 18 सितंबर को हरिद्वार से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा हरिद्वार की विधानसभाओं से होते हुए आज लक्सर पहुंचेगी। सूत्रों का दावा है कि परिवर्तन यात्रा के दौरान सैकड़ों ट्रैक्टर और सैकड़ों की संख्या में बाइक मौजूद रहेंगे और एसी के साथ ही ये परिवर्तन यात्रा 5 किलोमीटर लंबी चलेगी। बता दें, परिवर्तन यात्रा के दौरान तमाम दिग्गज नेता और क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में आज लक्सर ये परिवर्तन यात्रा पहुंचने वाली है और ऐसे में इस यात्रा में कई दिग्गज नेता मौजूद भी रह सकते हैं। फुजी फिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने आज टीबी के बारे में जागरूकता फैलाने और दिल्ली में टीबी उन्मूलन के लिए कदम उठाने के लिए समुदायों को जुटाने के बाद टीबी वैन दादरी उत्तर प्रदेश चली है। बता दें, और अब देहरादून वो पहुंच गई है। डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा, महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा, आज टीबी रोगियों की जाँच के लिए विशेष मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के सरकार के मिशन के अनुरूप फुजी फिल्म इंडिया ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के सहयोग से यह अभियान शुरू किया है। ऐसे में प्रयोगशालाओं के अपने मौजूदा नेटवर्क के जरिए एनटीपी टीबी परीक्षण में मदद भी करेगा। तो बता दें, टीबी वैन को हरी झंडी दिखा दी गई है और ऐसे में जगह जगह पर लोगों को जागरूक किया जाएगा और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के सहयोग से यह अभियान शुरू किया गया है। ऐसे में प्रयोगशालाओं के अपने मौजूदा नेटवर्क के जरिए एनटीईपी टीबी परीक्षण में मदद भी करेगा। तो ऐसे में हरी झंडी वैन को दिखा दी गई है, जगह जगह पर लोगों को जागरूक किया जाएगा और इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक सभी जगहों पर सुविधाएं पहुंचाई जाए। इसको लेकर ये हरी झंडी दिखाई गई है फुजी फिल्म की तरफ से, इसका शुरुआत इसकी तरफ से कर दी गई है और आज टीबी रोगियों की जांच के लिए विशेष मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखा दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के सरकार के मिशन के अनुरूप फुजी फिल्म इंडिया ने ये राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के सहयोग से यह अभियान शुरू किया है। साथ ही प्रयोगशालाओं के अपने मौजूदा नेटवर्क के जरिए एनटीईपी टीबी परीक्षण में मदद भी ये करेगा। देखिए, एक्चुअली जो ट्यूबरक्लोसिस में 3 मेन चीज़ें होती हैं। एक तो जो आपका पेशेंट है वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसका मेन कारण ये होता है। एक तो वो थोड़ा तबका गरीबी होता है, उसके रोजी रोटी पर असर पड़ता है। दूसरा, उसको सोशली भी कभी बहुत वो होता है कि भाई इसे तो टीवी है, सोशल पर। तो मेन पर्पज़ इसका ये है कि जैसे बड़े बड़े कैंप लगते हैं सरकारी, तो उसमें वैन जाती हैं और वो होता है। इसमें क्या है कि एक वैन जा रही है और इसमें इतना छोटा हैंड हेल्ड एक्सरे लगा है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आप इसको उस कैंप से एक गांव में भी ले जाना चाहते हैं, पहाड़ों में जहां मतलब 8 किलोमीटर तक रोड नहीं है, वहां तक 2 आदमी इसको आराम से, मतलब दो क्या, आदमी तो एक ही उठा सकता है, लेकिन एक आदमी पेशेंट के साथ कोऑपरेट करके उस वहां से इमेजेस लेके दे कैन सेंड इट टू द डिस्ट्रिक्ट सेंटर और मे बी द फर्स्ट प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, जहाँ पर आपके फिजिशियन होते हैं। और आजकल उत्तराखंड में तो सारी जितनी भी अपग्रेडेड PSCs हैं वहाँ पर एक्सरेज और रेडियोलॉजी का प्रबंध है थोड़ा बहुत। तो मैं ये बताना चाहूँगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यूनियन रिफ्यूजी फिल्म के कोलैबोरेशन से 6 मिलन हेतु ये हमारी वैन चल रही है। इस बहुत मतलब इसमें कई स्क्रीनिंग पर्पज़ है, तो हमारे जो मैदानी क्षेत्र वाले 4 जनपद हैं, ये जगह जगह ये वैन्स लगेंगी और वहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरिया है, स्लम एरिया है, जहाँ पर लोग हॉस्पिटल्स में नहीं आ पाते हैं और लगता है कि क्राउडेड एरिया है, तो उस जगह इनका जो है स्क्रीनिंग करी जाएगी इसमें एक्सरेज करके। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बता दें, कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रही है। वहीं हरीश रावत के नेतृत्व में प्रदेश भर में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और हरिद्वार के बाद कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा करियर और भगवानपुर झबरेड़ा के बाद मंगलौर पहुंची, जहाँ पर प्रदेश नेता प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल, प्रभारी देवेंद्र यादव, सांसद टमटा और विधायक मंगलौर काजी निजामुद्दीन नेताओं के पहुँचने पर
कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ही भारी जनसमूह ने उनका भव्य स्वागत किया। ऐसे में मैंगलोर विधानसभा में हजारों की संख्या में भीड़ ने में जनसभा आयोजित की गई और ऐसे में प्रदेश नेतृत्व ने एक ही स्वर में यहाँ की जनता को कई नई नई पार्टियों के बहकावे में न आने को कहा। साथ ही कहा कि प्रदेश और देश के इस परिवर्तन की लहर में आहुति देने का आह्वान मैंगलोर की जनता से किया गया है। सिर्फ और सिर्फ झूठ से भरे हुए हैं। इनका हाल अगर देखना है कि किस तरीके की ये सरकार चलाते हैं, ये दिल्ली में जाकर देख लीजिए कि कितना बुरा हाल दिल्ली वालों का कर दिया है। वो तो शीला दीक्षित जी के काम थे जो पिछले 5 साल इन्होंने भुना लिया। अब हकीकत लोग दिल्ली वालों के सामने आ रही है इनकी, और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में हर पार्टी आती है, ये भी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन इनका वजूद कुछ नहीं है लोगों में, कहीं से कहीं तक इनके लिए कुछ नहीं है। झूठ से भरे हुए हैं। ये उत्तराखंड के बारे में जानते क्या है? ये कब इन्होंने संघर्ष किया यहाँ के लोगों के साथ? कब इन्होंने किसानों के साथ संघर्ष किया, मजदूरों के साथ किया, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ? कब ये खड़े रहे? आज चुनाव के समय में आ रहे हैं या जनता भली भांति इनके झूठ को समझ रही है? तो बता दें, लगातार कांग्रेस से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। ऐसे में कई अलग अलग जगहों पर इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और ऐसे में मैंगलोर में ये यात्रा पहुंची, जहां पर बता दें कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैंगलोर विधानसभा में हजारों की संख्या में भीड़ में जनसभा आयोजित की गई। साथ ही बता दें कि प्रदेश नेतृत्व ने ही स्वर में यहाँ की जनता को कहा कि कोई भी नई नई पार्टियों के बहकावे में ना आए और साथ ही प्रदेश और देश के इस परिवर्तन की लहर में आहुति देने का आह्वान मैंगलोर की जनता से किया गया है। तो बता दें, कांग्रेस लगातार परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी कमर कसती हुई नजर आ रही है, एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसीलिए उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर इस परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि हरीश रावत के नेतृत्व में प्रदेश भर में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। ऐसे में हरिद्वार के बाद कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा कलियर और भगवानपुर छबरेड़ा के बाद मंगलौर पहुंची, जहां पर प्रदेश नेता प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौतियाल, प्रभारी देवेंद्र यादव, सांसद चमता, विधायक मंगलौर काजी निजामुद्दीन नेताओं के पहुंचने पर कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ही भारी जनसमूह ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही बता दें कि मंगलौर विधानसभा में हजारों की संख्या की भीड़ में जनसभा आयोजित की गई। ऐसे में प्रदेश नेतृत्व ने किशोर में यहाँ की जनता को कई नई नई पार्टियों के बहकावे में न आने के लिए कहा। साथ ही कहा कि प्रदेश और देश की इस परिवर्तन की लहर में आहुति देने का आह्वान मैंगलोर की जनता से किया गया है। तो बता दें, कांग्रेस की तरफ से लगातार परिवर्तन रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस बार कांग्रेस पूरी तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तमाम मुद्दों पर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरेगी और इसी को लेकर अब इस जनसभा का लगातार आयोजन किया जा रहा है, परिवर्तन रैली का लगातार आयोजन किया जा रहा है। हालांकि भारी संख्या में लोग भी इस परिवर्तन यात्रा में पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह में भारी भीड़ जो है वहाँ पर पहुंची है और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता, सांसद वहाँ पर इस रैली में मौजूद रहे। लगातार बता दें, पिछले काफी समय से कांग्रेस पूरी तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुकी है और इसीलिए लगातार अलग अलग जगहों पर इस परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में ये रैली निकाली गई है। हरिद्वार से ये परिवर्तन यात्रा शुरू हुई थी और ऐसे में अब ये यात्रा समापन की ओर बढ़ चुकी है। अब हजारों की भीड़ इस जनसभा में नजर आई और साथ ही आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े चेहरे इस परिवर्तन यात्रा का रैली का हिस्सा बनते हुए भी नजर आ रहे हैं।
चमोली के ब्लॉक नारायण बगर विकास खंड के पंती में सुबह 6 बजे बादल फटने से तबाही मच गई। अफरा तफरी में लोगों को घरों से बाहर निकलकर जान बचानी पड़ी। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सड़क किनारे पार्क की गई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। बता दें, विद्युत विभाग के विद्युत पोल, तारों के बंडल, 11 पुराने ट्रांसफार्मर समेत कई बाइक मलबे की चपेट में आकर सड़क पर बिखरी मिली। वहीं सड़क पर पूरा मलबा आने के चलते यातायात तरह से 5 घंटे तक बंद रहा। सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक, तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गई थी। वहीं बता दें, बीआरओ की तरफ से सड़क खुलवाने का काम जेसीबी मशीनों से किया जा रहा है। तो बता दें, लगातार पहाड़ों पर बारिश पड़ने की वजह से और बादल फटने की वजह से मलबा अक्सर सड़कों पर आ रहा है और इससे कई रास्ते बाधित हो रहे हैं, कई हाईवे बाधित हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से बादल फटने से मलबा जो है वो आ चुका है और ऐसे में मजदूरों की झोपड़ियों के ऊपर ये मलबा गिरा। हालांकि कई गाड़ियाँ भी इस मलबे की चपेट में आ चुकी हैं। तो मजदूरों की झोपड़ी भी इस मलबे की चपेट में आ चुकी हैं। बता दें, पहाड़ियों पे पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, उसकी वजह से लगातार ऐसे घटनाएं हो रही हैं जिसकी वजह से रास्ते प्रभावित हो रहे हैं, हाईवे बंद हो रहे हैं, आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस मलबा आने की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सड़क किनारे जो गाड़ियाँ पार्क की गई थी वो गाड़ियां इस मलबे की चपेट में आ चुकी हैं। साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दें कि विद्युत विभाग के विद्युत पोल, तारों के बंडल, 11 पुराने ट्रांसफार्मर समेत कई बाइक मलबे की चपेट में आकर सड़क पर बिखरी मिली। वहीं सड़क पर पूरा मलबा आने जाने की वजह से यातायात पूरी तरह से 5 घंटे बंद रहा, यानी कि पूरी 5 घंटे तक रास्ता जो है बंद रहा, कोई भी उस रास्ते पर आ जा नहीं सका, जिससे लोगों को तमाम परेशानियां भी हुई। ऐसे में सूचना जैसे ही स्थानीय विधायक को, तहसील प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को मिली तो सभी मौके पर पहुंच गए, साथ ही राहत कार्य में सभी लोग जुट गए। वहीं बता दें कि बीआरओ की तरफ से सड़क खुलवाने का काम जेसीबी मशीनों से लगातार किया जा रहा है। तो बता दें, मजदूरों की झोपड़ी को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। पहाड़ियों से जिस तरह से लगातार मलबा आ रहा है, तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से रास्ता भी प्रभावित हो गया है। लगातार राहत बचाव का काम वहां पर किया जा रहा है, जेसीबी मशीन वहां पर लगा दी गई है ताकि जल्द से जल्द रास्ते को खोला जा सके। चमोली के ब्लॉक नारायणगढ़ विकास खंड के पंती में ये सुबह 6 बजे बादल फटी थी, जिसके बाद ये अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद ये तबाही देखने के लिए मिली। लोगों को घरों से बाहर निकलकर अपनी जान बचानी पड़ी। हालांकि इस घटना में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सड़क किनारे जो बाइकें खड़ी थी, जो सवारी खड़ी थी, वाहन खड़े थे, गाड़ियाँ खड़ी थी, वो सभी मलबे की चपेट में आकर ऐसे में विद्युत विभाग के विद्युत पोल, तारों के बंडल, 11 पुराने ट्रांसफार्मर समेत कई बाइक मलबे की चपेट में आकर सड़क पर बिखरे मिले। वहीं सड़क पर पूरा मलबा आ जाने के चलते यातायात पूरी तरह से 5 घंटे बंद रहा है। ऐसे में मौके पर पहुंचे विधायक और प्रशासन और पुलिस ने राहत बचाव का काम शुरू किया। जेसीबी मशीनों को वहां पर लगाया गया, जिसके बाद रास्ते को 5 घंटे बाद खुलवा दिया गया। आज सुबह लगभग 6:30 बजे ये बादल फटने की सूचना मिली है और बादल फटने से जो यहाँ पे बीआरओ की लेबर थी, जो रोड के नीचे साइड में रह रहे थे, तो वो झोपड़ियों में रह रहे थे, वो प्रभावित हो गए। लगभग 19 परिवार बताए जा रहे हैं जो प्रभावित हैं और उनको अहतुक राशि ग्राउंड रिलीफ की कार्रवाई चल रही है, ग्राउंड रिलीफ देने की, और उनके लिए राहत कैंप लगा दिया गया है और राशन और आज दिन का खाने की व्यवस्था की है। संबंध में गाड़ियों की भी सूचना मिली है कि कुछ 5-6 4-व्हीलर और 10-12 बाइक्स हैं, हालांकि इनकी नंबर आने अभी बाकी हैं जिसकी कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे आज सुबह ही हमें भी सूचना मिली जो कि 6:25 की ये घटना है, तो यहाँ पे तुरंत हमने
SDM साहब, DM साहब, सबको, प्रशासन को भी सूचना दी और सारे प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं भी स्वयं मौजूद हूँ। और जो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित हैं तो ये BRO की लेबर, जिनको मैं कहूँगी BRO की लेबर है। और बड़ा दुर्भाग्य बात तो ये है कि हमारा प्रशासन और विधायक, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग, जिन जो लोग की यहाँ पर के सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन BRO का कोई भी अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिनकी लेबर स्वयं यहाँ पे प्रभावित है। की वजह से पहाड़ों से मलबा जो है वो नीचे आ चुका है, ऐसे में मजदूरों की झोपड़ियां को भी नुकसान पहुंचा है, तमाम जगहों पर नुकसान हुआ है। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई गाड़ियां जो वहां पर पार्क की गई थी वो मलबे की चपेट में आ गई, वो मलबे में दब गई। हालांकि जो मजदूरों की झोपड़ियां थी वहां पर भी मलबा उस पर गिरा है, लेकिन किसी भी तरह लोगों ने वहां से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। सुबह 6 बजे की ये पूरी घटना है, जहां पर बादल फटने की वजह से नीचे के इलाकों में मलबा काफी ज्यादा आ गया और ऐसे में वहां पर जो सड़क किनारे पार्क की गई बाइकें थी, गाड़ियां थी, उन पर मलबा भी गिर गया, वो मलबे की चपेट में आ गई। हालांकि जैसे ही इस पूरी घटना की सूचना स्थानीय विधायक और प्रशासन पुलिस को मिली तो सभी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य को शुरू किया गया। साथ ही बता दें JCB की मशीन से वहां पर राहत बचाव कार्य भी किया जा रहा है, मलबा रास्ते से हटाया गया और इस पूरी घटना की वजह से 5 घंटे रास्ता जो है पूरी तरह से बाधित रहा, कोई भी उस रास्ते पर नहीं निकला, 5 घंटे पूरी तरह से यातायात उस रास्ते पर बंद रहा। ऐसे में अब धीरे धीरे मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। तो बता दें कि मलबा आने की वजह से तमाम परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। हालांकि सुबह 6 बजे यह हादसा हुआ, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को परेशानी उठाकर रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों को परेशानियों, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, रास्ता क्योंकि पूरी तरह से बंद हो चुका है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ चमोली से हमारे संवाददाता संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या कुछ अब अपडेट है, क्या वहां से मलबा पूरी तरह से हटा दिया गया है? जी परवल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आज सुबह की घटना है लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच की जी, और यहाँ पे जो पहाड़ी पे बादल फटता है, उसके बाद जो भारी मलबा और पानी और जो बिल्कुल बाढ़ के रूप में आता है, वहाँ पे जो BRO के मजदूर है वो बाल बाल बचे हैं, कम से कम 30 परिवार वहाँ पे वो झुग्गी बनाकर रहते थे और 100 उनके परिवारी जन है वो बच गए। फिलहाल जो सड़क जो 5 घंटे तक बाधित रही, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो वहाँ पे वहाँ से मलबा हटा लिया गया है और वहाँ पे जो यातायात है, यातायात बहाल हो गया है। जी बिल्कुल संदीप, और जो वहां पर लोग थे जिन्होंने अपनी जान बचाई, क्या कुछ लोग वहां पर फंसे भी हुए थे, क्योंकि रास्ता जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 5 घंटे पूरी तरह से बंद रहा, तो क्या अब लोग वहां से निकल चुके हैं? जी जी, अब जो लंबी कतारें वाहनों की थी वो आवाजाही 5 घंटे बाद बहाल, 11 बजे के आसपास बहाल कर दी गई है। और जो BRO के मजदूर हैं जो बेघर हो चुके हैं, उनके लिए प्रशासन ने अभी जो अस्थायी रूप से एक जो वहाँ पे जो रहने और खाने की जो व्यवस्था की है, और प्रशासन लगातार वहाँ पे बना हुआ है उन लोगों के बीच, और जो BRO के अधिकारी हैं, BRO के अधिकारी भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और उन लोगों के लिए जो स्थानीय स्तर पे लोग हैं उनके लिए राशन कपड़े भी लोग वहाँ पे बांट रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के सारे जो खाने के और रहने के जो कपड़े हैं, तमाम जो उनके उनके पास सामान था वो सारा मलबे में दब गया था, तो यहाँ पे लोग भी काफी मदद कर रहे हैं। जी तो क्या अभी तक संदीप वहां से मलबा नहीं हटाया गया है, क्योंकि सुबह की घटनाएं, लगातार राहत बचाव का काम किया जा रहा है? जी सड़क से, हालांकि सड़क जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उससे तो मलबा हटा लिया गया है, लेकिन जो झुग्गियां हैं झुग्गियां पे से मलबा हटाना इतना संभव नहीं है कि इतनी जल्दी वहां से मलबा हटा लिया जाएगा, उसमें बहुत समय लगने वाला, क्योंकि मलबा और जो बोल्डर, बड़े बड़े बोल्डर हैं, वो बहुत ही भारी संख्या में वहां पे आए हैं। जी
जी चलिए संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चमोली में बादल फटने की वजह से ये माहौल किस तरह से वहाँ पर बन गया, अफरा-तफरी का माहौल बन गया। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से मलबा वहाँ पर सड़कों पर आ गया है। हालांकि जेसीबी मशीन के मदद से मलबा वहाँ से लगातार हटाया जा रहा है। यातायात 5 घंटे के लिए वहाँ पर प्रभावित हुआ था, बंद हो गया था, उसे भी अब खोल दिया गया है। जो मजदूर थे बीआरओ के, उनके घर जिस तरह से जो कि झोपड़ियाँ उनकी खराब हो गई, बर्बाद हो गई, उन सभी को अब अलग जगह पर घर दे दिया गया है, खाने पीने का सामान दे दिया गया है। यानी कि प्रशासन की तरफ से मदद लगातार मजदूरों की जा रही है, उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया, खाने पीने की पूरी व्यवस्था उनकी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कुमाऊं दौरे पर सबसे पहले हल्द्वानी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पंतनगर हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत किया। तो हल्द्वानी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास को लेकर 6 घोषणाएं की। बता दें, अपनी 6 घोषणाओं में उन्होंने बताया कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर राज्य सबसे पहले यहाँ के युवाओं को सरकार रोजगार मुहैया कराएगी। दूसरी घोषणा में प्रत्येक रोजगार परिवार के युवा को रोजगार नहीं मिलने पर सरकार प्रत्येक परिवार के युवा को 5,000 रुपए के तौर पर बेरोजगारी भत्ता देगी। वहीं तीसरी घोषणा के तहत सरकार में और प्राइवेट सेक्टर में उत्तराखंड के 80% बच्चों के लिए सीट आरक्षित कर ली जाएगी। और चौथी घोषणा के तहत सरकार बनने के 6 महीने के अंदर सरकार 1,00,000 सरकारी नौकरियां भी तैयार करेंगी। वहीं पांचवी घोषणा के तहत उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली के तर्ज पर जॉब पोर्टल तैयार करेगी और वैकेंसी के तौर पर लोग आवेदन कर सकेंगे। और छठी और आखिरी अंतिम घोषणा के तहत सरकार प्रदेश में मंत्रालय स्थापित करेगी, जिसमें मंत्रालय का काम रोजगार के नए अवसर पैदा करना और युवाओं के पलायन को लेकर अलग कदम उठाना होगा। साथ ही बता दें, जो लोग राज्य को छोड़कर चले गए हैं उनकी वापसी के लिए उचित माहौल तैयार करना भी होगा। तो ये तमाम घोषणाएं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई थी। बता दें, कल वो उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे, हल्द्वानी वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 6 बड़ी घोषणाएं उत्तराखंड की जनता के लिए की हैं। जैसा कि कोटियार साहब कह रहे थे, उत्तराखंड के युवा में खूब एनर्जी है। उत्तराखंड के युवा को जब भी अवसर मिला, उसने गजब के काम कर दिया। उनका युवा जब फौज में जाता है तो गजब की शक्ति दिखाता है। लेकिन पिछले 21 सालों की जो दुर्दशा इन पार्टियों और नेताओं ने मिलकर की है, उन्होंने युवाओं की भी दुर्दशा कर दिया। आज युवा के पास अवसरों की तलाश, आज युवा अवसरों की तलाश में उत्तराखंड के अंदर, उसको जब अवसर नहीं मिलते तो उसको अवसरों की तलाश में अपना घर बार छोड़ के पूरे चारों तरफ दुनिया में देश की तरफ जाना पड़ता है। कोई अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहता अपनी मर्जी से। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की उसका पलायन बन गई है। एक तरह से उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और युवा बहुत ज्यादा दुखी है। हर युवा को रोजगार चाहिए, युवा भीखी मांग रहा, उसका अधिकार है। हर युवा को रोजगार चाहिए और ये हो सकता है। आप पूछेंगे, हो सकता है कि ये हो सकता है? इस पर हमने खूब चर्चा की, घंटों चर्चा की, इस पर खूब प्लानिंग करी हम लोगों ने। एक ही शर्त है, अच्छी नीयत वाली सरकार चाहिए। तो उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने के लिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। विवेकाधीन कोच में नानकमत्ता विधायक की तरफ से बीजेपी मंडल पदाधिकारियों और नगर पदाधिकारियों को विवेकाधीन कोच का दुरुपयोग किए जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें, ज्ञापन सौंपने के बाद उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अनीस सिंह राणा ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहा और कहा कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोच से आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं और आर्थिक रूप से कमजोर जो इलाज करवाने में असक्षम है, उन्हें मुख्यमंत्री
विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अनीश सिंह राणा प्रदेश सचिव युवा कांग्रेस ने बताया कि हमारी विधानसभा नानकमत्ता का हाल निराला है। नानकमत्ता विधायक की तरफ से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष का पैसा अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ नगर में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को भी बंदाबांट किया जा रहा है, जिसका कारण इसका भरपूर लाभ अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ नगर के चुनिंदा व्यापारियों को दिया जा रहा है। कोष के संबंध में कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा है, उन्हें तहसील को जांच के लिए भेजा है, जो भी होगा उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। कहना है कि जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की जो आर्थिक सहायता निर्धन परिवारों को दी जाती है, उस पर माननीय विधायक प्रेम सिंह राणा जी द्वारा अपने मंडल और नगर के पदाधिकारियों और कुछ चुनिंदा व्यापारियों को जो इसका लाभ बंदरबांट करने का जो प्रयास किया गया, आज उसी के विरोध में हमने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि इस पर निष्पक्ष जाँच हो। जो गरीब निर्धन परिवार है उसका इसका लाभ मिलना चाहिए। पूंजीपतियों ने जो है गरीब आदमियों के अधिकारों का हनन करने का काम किया है। उनके जो उनके राहत कोष में जो उनको दिया जाता है उस पर इन्होंने बंदरबांट करने का काम किया। हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि इस पर निष्पक्ष जांच कर जिन्होंने जो पूंजीपतियों ने इसका लाभ लिया है उनसे दुगनी रिकवरी करी जाए और जो निर्धन गरीब परिवार है उनको इसकी सहायता दी जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। At GLA Unit.